जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। रसना को पवित्र करे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभा में उपस्थित पन्ना जी से पधारे सुंदर साज जी एवं परम पूज्य सुंदर साथ, आज का प्रसंग हमें प्रेरणा देता है कि मोमिनों के साथ हम भी अब चर्चनी और चितवनी में लगे, तन रहते परमधाम दर्शन करें, आत्मा को जागृत करें और जागनी रास का वास्तविक सुख लें। सुंदर साहब जी, आज की जो क्लास है ये ज्यादा जरूरी है। आज जो सुंदर साहब ध्यान देगा कल उसको आसानी रहेगी, क्योंकि कल हम चितवनी करेंगे तो आज अच्छे से समझ लेंगे तो कल आसानी रहेगी। मैं आपको सर्वरस सागर से लेकर जा रहा हूं, तो जो सुंदर साथ हमारे साथ दो ढाई साल से परमधाम को समझने में पूरा ध्यान दिया है तो वे तो मेरे साथ सर्वरस सागर से ही जाएंगे केलपुल तक, ठीक है। लेकिन जो सुंदर साथ नया है या जिसको समझने में दिक्कत है तो कल ध्यान के समय में, चितवनी के समय में सर्वरस सागर से प्रवेश करने के बाद आप सीधा हमें केलपुल में मिलिएगा, ठीक है। तो सीधा अपनी सूरता केलपुल पर ले आइएगा, बीच में उलझने की जरूरत नहीं है। आज भी बहुत ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एकदम से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो जिसको नहीं समझ में आता वो जोर ना दे, क्योंकि सुंदर साहब जी ध्यान में हम जो जाते हैं अभी, जैसे मूल मिलावे में हम राज्य को प्रणाम करने जाएंगे कल, तो रूहें बैठी हुई हैं घेर कर राज्य को और ऐसे बैठी हैं कि जगह जरा सी भी नहीं है, तो कैसे जाएंगे बताओ हम राज्य को प्रणाम करने। ध्यान अवस्था में जा रहे हैं ना, सूक्ष्म रूप से जा रहे हैं, आत्म जाएगी पर आत्म तो वहीं बैठी है स्थूल रूप में, तो हम सूक्ष्म रूप में जा सकते हैं। जैसे मुझे ध्यान आया अभी मेरे घर में कहीं पानी तो नहीं खुला छूट गया, तो मेरा एक पल में ध्यान वहां पहुंच जाएगा, मुझे बस पकड़ के तो नहीं जाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसी तरह से यहां से सीधा हम केलपुल पहुंच सकते हैं, जिन जिन सुंदर साथ ने अभी चर्चनी अच्छे से नहीं समझी है, फिर भी मैं प्रयास करता हूं आप सबको ले जाने की। सर्वरस सागर से चलते हैं। सुंदर साहब जी, कल हम जब ध्यान में बैठेंगे तो एक बात का ध्यान रखना है, सभी को जितना हो सके कमर सीधी रख के बैठना है। दीवार सीधी रहेगी तो ज्यादा दिन चलती है, अगर हल्की भी टेढ़ी हीट लगी है तो गिर जाएगी, ठीक है। तो मनके पे मन का अगर हम सेट करके बैठाएंगे ना तो ज्यादा देर हम बिना दर्द के कमर के बैठ पाएंगे। कमर ये गर्दन, कमर के साथ गर्दन भी सीधी रखनी है, नीचे या ज्यादा ऊपर नहीं करनी है, ठीक है। एक बार नीचे ऊपर करके देख लीजिए, एक जो आइडल पोजीशन है उसमें रखकर हमने बैठना है, ठीक है। सुंदर साहब जी, ध्यान का आत्मिक लाभ तो है ही है, अगर आप ये रेगुलर करेंगे तो इससे शारीरिक लाभ भी है, क्योंकि सीधा अगर रोज एक घंटा भी हम बैठते हैं तो कमर ज्यादा दिन चलेगी, नहीं तो थोड़े ही समय में डंडी हाथ में आ जाएगी, वो जो लोग ऐसे मुड़कर चलते हैं ना वो वाली अवस्था हो जाएगी, जितना हम लोग आजकल टेक लेते हैं उसकी वजह से या झुककर बैठते हैं उसकी वजह से, ठीक है। और उसी तरह से थोड़ा सा श्वास का अभ्यास करें या प्राणायाम का अभ्यास करें, जिससे आप जितनी सांस को धीमी कर पाएंगे ना ध्यान के समय में, चितवनी के समय में तेजी से सांस लेते हैं तो मन भागता है। कोई भी घर में भी परेशानी है, टेंशन है, एकदम से कुछ घबराहट भी होती है तो लंबी लंबी सांस लें आप, 5 या 10 बार सिर्फ सांस पे ध्यान दें तो एकदम से हार्ट रेट नीचे आ जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा और आपका एकदम से मन शांत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान करते समय भी एक बार 2-3 लंबी सांस लें, उसे रोक के कोशिश करें, जैसे ही श्वास रुकती है मन भी भागना रोक देता है,
ठीक है, मन यहां वहां भागता है, 10 जगह भागता है, तो वो भी एकदम स्थिर हो जाता है। ठीक है सुंदर साहब जी, अब ध्यान में जब हम बैठेंगे तो सबसे पहले तारतम करेंगे, तारतम से हमारा मन पूर्ण तरह से एकाग्र हो जाएगा, सद्गुरु महाराज का हम ध्यान करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद अपनी सुरता को चढ़ाएंगे। सुरता को जब हम चढ़ाएंगे तो शर ब्रह्मांड में हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, ठीक है, तेजी से चलते जाएंगे, स्वर्ग इत्यादि वैकुंठ वगैरह हम पार करके अव्यकृत वहाँ पर पहुँचेंगे योग माया में। योग माया भी मुख्यतः दो ही जगह हम अगर रुकना चाहें, सबकी अपनी अपने सुख की बात है सुंदर साहब जी, ब्रिज रास और जागनी, चौथी लीला घर की, चारों का यामे भोग, चारों लीलाओं का हम सुख ले सकते हैं, पांचवें में जाना ही नहीं है, सिर्फ चार चीजों का ही यहाँ सुख लीजिए, या तो अपनी सुरता को ब्रिज में लेके जाइए, ब्रिज लीलाओं का आनंद लीजिए जब तक श्वास है, या फिर रास की लीलाओं का सुख लीजिए, या जो हमने अभी बीतक सुनी है ये जागनी लीला है, जो ये जो श्री जी की लीला है ये जागनी लीला है, इसका सुख लीजिए, इसमें चिंतन जब आप ले जाएंगे तो आनंद होता है, या चौथी लीला घर की। यहाँ पर तो योग माया में ब्रिज आएगा, ब्रिज लीला हो रही होगी, ठीक है, हम ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुकेंगे, अपने घर में आप चाहें तो रुक सकते हैं, ठीक है। ब्रिज के ऊपर हम जाएंगे तो रास की लीला होगी, रास में रामते हो रहेंगी, जिस सुंदर साधन ने रास ग्रंथ का अध्ययन जितनी गहराई से किया हो वो वहाँ उतनी देर रुक पाएगा, क्योंकि पहले इलम काम आता है, फिर अपना आत्म का जो हमारा, क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है ना वहाँ का, हम थे ना वहाँ पर जब ये रास हो रही थी, तो आत्म अनुभव निकल कर आएगा, ठीक है, फिर अंदर से आपके अनुभव आपको याद आएंगे कि हमने क्या क्या वहाँ सुख लिए थे। फिर रास को देखते हुए हम सब पहुँच जाएंगे यहाँ पर सर्वर सागर के सामने, यहाँ जो वन आए हैं, हमारी सुरता वहाँ पहुँचेगी। सर्वर सागर वनों, यहाँ पे सारे बेहद भूमि कहलाती है, यहाँ वन है, नूरी वृक्ष हैं। सुंदर साहब जी, आत्मा अगर हृदय से चाहेगी तो राजजी महाराज यहाँ के सुख हमें देंगे। एक बार अपनी सुरता को सदगुरु को जब हम प्रणाम करेंगे ना ध्यान के समय, तो पूर्ण हृदय से कहिएगा कि हमें ले चलिए, बिना मांगे सब कुछ देने वाले राजजी महाराज, मांगने पे क्या सही सुख नहीं देंगे, सही चीज नहीं देंगे। बच्चों के हम 100 नखरे गलत भी उठाते हैं, अगर कॉपी पेंसिल किताब मांगेंगे तो क्या नहीं देंगे, तो सदगुरु महाराज भी हमारी इच्छा जरूर स्वीकार करेंगे, क्योंकि सदगुरु रूप में कौन है, स्वयं धामधनी ही तो है, ठीक है, तो उनकी क्षमता है, लेकिन हमारा हृदय जितना होगा वो जानते हैं, जैसे विजय भैया बताते हैं ना कि उनको एक्सरे देखने की जरूरत नहीं, वो जानते कितने हृदय से कह रही है, तो उतना ही हमारी चितवनी में लाभ होगा, ठीक है। जब हम सरोवर सागर के सामने यहां वनों में पहुंचेंगे तो चारों तरफ बड़े ही विशाल वृक्ष हैं, ये वृक्ष जो हैं इनके जो तने हैं ये चिकने हैं, जैसे केले का पत्ता या पेड़ देखा है कभी आपने, बिल्कुल चिकना होता है, उससे भी करोड़ गुना ज्यादा चिकने, खुरदरे नहीं है जैसे हम पेड़ों के तने देखते हैं, नूरी हैं, और यहाँ पर बड़ी ही सुंदर सुगंधी बहती रहती है, ठंडी शीतल हवाएं बहती रहती है, उसका हमें अनुभव होगा। उस सुगंधित शीतल हवा के अंदर हम इन वनों की शोभा निहारेंगे। सुंदर साहब जी, जैसे ही हम परमधाम में प्रवेश करते हैं, यहाँ के पत्ते पत्ते में, यहाँ के बूटे बूटे में, यहाँ के कण कण में हमें अपने धामधनी अपने प्रीतम का आभास होगा, क्योंकि यहीं पर वेद के वे मंत्र सिद्ध होते हैं कि सर जगह हर एक जगह ब्रह्म है, कण कण में जो ब्रह्म है वो यहाँ पर है, ये पूर्ण परमधाम धामधनी का हृदय है, तो यहाँ पे हमें वो अनुभव होने लगेगा, हर चीज में धामधनी की वो शीतलता कोमलता प्रेम इश्क महसूस होगा। इन वनों से होते हुए सबसे पहले सुंदर साथ जो जानते हैं वो बताएं, ये क्या है, क्या है ये, छोटी रांग की हवेली नहीं, क्या है, बड़ी रांग की हवेली, क्या है, सभी बोलेंगे क्या है, बड़ी रांग की हवेली। अर्ध लभो तेरो कारज सरो, परमधाम का वर्णन अगर हम बोलेंगे मुख से तो हृदय में बैठ जाएगा। हम लोग ट्रेन से भी सफर करते हैं ना तो एक चार्ट निकाल लेते हैं पहले, यहाँ यहाँ स्टॉपेज होता है, इतनी देर रुकेगा फटाफट से, तो अगर बोलेंगे तो याद हो जाएगा, तो चलने में आसानी होगी। तो ये क्या है सुंदर साहब जी, कोई भी बोलने में संकोच ना करे,
आत्म को लाभ ही होगा। बड़ी रांग की हवेलियां ये कितनी ऊंची है? 14 करोड़ 40 लाख। सुंदर साहब जी, इतनी ऊंचाई आत्म में धीरे धीरे बैठेगी, लेकिन अगर जब आप यहाँ खड़े होंगे ना, तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो मोहलाद हैं ये आकाश में प्रवेश कर रहे हैं। माने आधे ही मोहलाद दिख रहे हैं, बाकी तो आकाश में प्रवेश कर चुके हैं। तो आपको जहां तक दिखेगा ये मोहलाद दिखेंगे, और उसके बाद नूरी बादल नजर आएंगे। इसकी विशालता बहुत है, ये बड़ी रांग की हवेली, और वो भी बेहद भूमि की बड़ी रांग की हवेली। इनके थंब विशाल हैं, इनकी मेहरापे विशाल हैं, इनके द्वार विशाल हैं। तो यहां पर जब आप आएंगे ना, तो बहुत बहुत विशालता आपको महसूस होगी। खिड़की दरवाजे इतने विशाल और ये बहुत सुंदर लगते हैं। ठीक है, इन नूरी दरवाजों से हम यहाँ पे बड़ी रांग की हवेली को पार करने के दो तरीके हैं। एक तो दो महाहवेलियों के बीच में यहां त्रिपोलिया आता है। कोई बता सकता है त्रिपोलिया क्या है? हाँ जी, दो थंबों की हार, तीन गलियां। जैसे मान लो ये एक, ये दो, ये तीन, ये तीन थंबे और बीच में तीन ये गलियां बन गई, एक दो तीन। अब ये बड़ी रांग की त्रिपोलिये हैं। मैं आपको माप में नहीं ले जाऊंगा अभी, लेकिन इतना समझ लीजिए कि एक थंबा दिल्ली में, तो एक गुड़गावा में, बेहद भूमि है ये। तो अति विशाल इनकी मेहरापे हैं, और जो थंब हैं ये गलियां हैं। अब देखिए, यहां से हम प्रवेश करेंगे ना, तो सीधा दूसरी तरफ तक सीधा रास्ता जाता दिखेगा। ये जो त्रिपोलिये हैं, ये पूरा सीधा सीधा रास्ता जाएगा। माने मैं यहां खड़ा हूं, तो यहां से वहां तक। अब ये कोई बता सकता है बड़ी रांग की हवेली की चौड़ाई कितनी थी? किसी को याद है? हमने कराई नहीं है शायद। हाँ जी, 12,000 की 12,000 हारे थी यहां पर। लाख 4 लाख कोस की यहां पर इसकी जो है चौड़ाई है। ये बहुत होता है, मतलब कई पृथ्वियां समा जाएं। तो यहां से हम चलते चलते आत्मा धी एकदम मन की गति से प्रवेश करेंगे, हम यहां से पार करेंगे। एक आगे कीजिएगा, देखिए जैसे ही हम पार करेंगे सर्वरस सागर आ जाएगा। सर्वरस की किनारे किनारे से होते हुए यहां से दूसरी हवेली आ गई, तो उसके त्रिपोलियों से भी पार करेंगे। उसके बाद छोटी रांग की हवेली आ जाएंगी। ठीक है सुंदर साहब जी, छोटी रांग की हवेली के जो ये तो हवेलियां, ये बीच में क्या है कोई बता सकता है? हाँ जी, ये वन आए हैं, तो इन वनों के बीच में से होते हुए हम निकल जाएंगे। आगे करिएगा, और आगे कर दीजिए, ये हो गया, इशारा कर दीजिए, और आगे कीजिए, और आगे कीजिए, ये भी आगे कीजिए। ठीक है, इन चार हार हवेली के बाद क्या आएगा कोई बता सकता है? वन की नहरें। वन की नहरों की शोभा याद है किसी को? वृक्ष, वनों की पूरी नहर। ये देखिए पूरा ये गहराई घेर कर आया हुआ है, वन ही वन है। और ये कितने विशाल थे किसी को याद है? 60,000 भूम। एक आगे कीजिएगा, ये देखिए एक ये वृक्ष की शोभा देखिए, 60,000 भूम ये विशाल वृक्ष होगा, एक वृक्ष। और उसके चारों तरफ परिक्रमा है, परिक्रमा है, और नहरें हैं, चबूतरा है, और इसमें पशु पक्षी रहते हैं। अगर 60,000 भूम है, तो प्रत्येक भूम में अलग प्रजाति के पशु पक्षी। ये पहली भूम में सफेद घोड़े, सफेद हाथी, खरगोश, मोर इत्यादि। इस तरह से जब हम यहां से निकलेंगे तो ये चहचहाएंगे, ठीक है, पीहू पीहू धनी धनी की पुकार करेंगे, और बड़ी मधुर स्वनि स्वर ध्वनि यहाँ पर प्रकट होगी। ठीक है, वैसे तो वाणी में वर्णन आता है कि जब यहाँ पे हवा भी चलती है और वृक्षों में से होके जाती, तो ऐसा लगता है कि बांसुरी वादन हो रहा है या वाद्यंत्रों का वादन हो रहा है। तो सुंदर संगीत में से और इन पशु पक्षियों के दर्शन करते हुए हम आगे निकलेंगे। एक आगे कीजिएगा, वन की नहरों के बाद क्या आएगा कोई बता सकता है? हाँ जी, नहीं उससे पहले एक चीज आएगी, मानिक पहाड़। मानिक पहाड़ तो दक्षिण में है, बाकी जगहों में क्या है? बाकी फिरावे में क्या है? नहीं, चार हार हवेली तो पीछे रह गई सुंदर साहब जी। माणिक पहाड़ की हद में बड़ोवन, मधुवन और महावन के वृक्ष आएंगे। तो जब आप सूरता से जा रहे होंगे,
तो वन की नहरों के बाद इन बड़ो वन, मधुवन, महावन को पार करेंगे तो सारे वन ही होंगे, ठीक है। इन वन को पार करने के बाद आ जाएंगे जवेरों के महल। बैक जाइए आप, और बैक जाइए, ये वाला निकालिए, बैक जाइए, हाँ ठीक है, ये वाला करिए। वन की नहरों के बाद, वन की नहरों के बाद और माणिक की हद के बाद क्या आ जाएगा? जवेरों के महल। जवेरों के महल में भी सुंदर साहब जी ये मोहलात हैं और साथ में वन आए हैं, तो वनों के बीच में से होते हुए ये अमृत, ये अक्षरधाम को पार करते हुए हम पहुंच जाएंगे केल पुल पे। एक आगे कीजिएगा, एक और आगे कीजिए सुंदर साहब जी। यहां हम केल पुल पर पहुंचेंगे। केल पुल कितनी भूम का आया है? 5 भूम छठी चांदनी। यहां पर आत्मा के हृदय में जो है धनी से मिलने की जो आस है वो और बढ़ जाएगी, ठीक है। यहां पर सदगुरु हमें छोड़ देंगे, ठीक है। कई परमहंसों का मानना है पाठ घाट में झीलने के बाद सदगुरु अंतर ध्यान होते हैं। कई परमहंस कहते हैं केल पुल तक सदगुरु जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम जब केल पुल पार करेंगे तो नीचे जमुना जी बह रही होगी, ठीक है। उसका सुगंधित शीतल जल बह रहा होगा। जमुना जी का जल दूध से भी उज्ज्वल है, मिश्री से भी मीठा है। अभी मीठा माने चिपचिपा मीठा नहीं, जैसे पहाड़ों का, नहरों का जल होता है ना, पीते ही बड़ा अच्छा लगता है, वैसा वाला मीठा है और उज्ज्वल है, और इसमें प्रकाश है और खुशबू है। ये श्री जमुना जी 10 नहरों में बहती हुई यहाँ पर आपको दिखाई देगी। 10 नहरों में क्यों बहती हुई नजर आएगी, कोई बता सकता है? क्योंकि जमुना जी जब केल पुल से निकलती है तो 10 घड़नाले बनते हैं ना यहाँ पे, उन घड़नालों से जब ये नहर का रूप लेती है तो अपनी हद छोड़ती नहीं है, बट के पुल तक 10 नहरें आपको बहती हुई नजर आएंगी। आप यहाँ से आएंगे, अभी क्या यहाँ से आएंगे ना जलरौंस से, तो बार बार चबूतरा चढ़ना उतरना पड़ेगा, इसीलिए पाल पर चढ़ जाइएगा। पाल से सीधा वनों की छाओं में, वृक्षों की छाओं में से होते हुए आप पाठ घाट तक आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये पाल के ऊपर 7 वन कौन कौन से आए हैं, किसी को याद है? केल, लिम्बोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट। हम केल से शुरू होंगे और अमृत तक पहुंचेंगे, ठीक है सुंदर साहब जी। ये कितने वृक्षों की हार थी याद है किसी को? 7, 5। 5 ये वृक्षों की हार है, तो कितनी मेहरापे बनेंगी? 4। 4 मेहरापे विशाल विशाल बनी होंगी, उनमें से सुंदर रास्ता होगा सुंदर साहब जी। वहां से होते हुए आइएगा, डालियां लटकी होंगी, उनमें फूल होंगे, फल होंगे, और वो हमें देख के मुस्कुरा रहे होंगे, ठीक है। चेतन फूल है, चेतन फल है, जो इच्छा करी तो तोड़ भी लिया हाथ में और वहां पे भी लगा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद हम यहां आएंगे पाठ घाट पर पहुंचे। एक आगे कीजिएगा सुंदर साहब जी, ये जो पाठ है इस घाट पर यहां तक आया है, यहां से आप छलांग लगा सकते हैं अगर मन में चंचलता है तो, या फिर यहां से सीढ़ियां आई हैं, 3 सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरेगी, ठीक है। यहां जल में जब आप उतरेंगे और डुबकी लगाएंगे, सभी सुंदर साथ को चितवन में डुबकी लगानी है एक बार। जब हम डुबकी लगाएंगे तो ये भाव लेते हैं, किसी भी नदी में चाहे हम गंगा, किलकिला कहीं जाते हैं तो क्या भाव रहता है कि हम निर्मल हो जाए, ठीक है ना। गंगा जी भी पाप धोती है, तो हमारे अंदर की नींद निकल जाए, इस भाव से आप डुबकी लगाएं कि हमारे अंदर जागृति आ जाए। तो डुबकी निकाल लगाएंगे और बाहर निकलेंगे तो श्यामा जी की तरह हमारा सुंदर स्वरूप हो जाएगा, ठीक है सुंदर साहब जी। हम अंगना भाव में डुबकी लगाकर उठेंगे, उभरेंगे हम, और जैसे जैसे सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे सिंगार सजता जाएगा सुंदर साहब जी। एक दूसरी सखी को जब हमें सिंगार कराना होता, लाड करना, तो छुटक ध्योरिया जाते हैं, नहीं तो परम धाम में तो पहनना उतारना है ही नहीं ना। खिन खिन में सिंगार बदलता है। अभी हमें राज्य से मिलने की जल्दी है, तो एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। आपका पांव जैसे जमुना जी से पहला पड़ा एक सीढ़ी पर, जैसे ही जमुना जी से बाहर आएगा उसमें पाजेब बन जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आप बाहर निकल रहे हैं, गले के हार, कानों के, सारा सिंगार आपका सजता जाएगा। और अब ये जो सिंगार होगा ये किशोर होगा और ये नूरमयी होगा, वस्त्र आभूषण स्वरूप सारा आपका नूरमयी प्रेममयी होगा, ठीक है सुंदर साहब जी। एक आगे चलिए, और आगे करिए।
इसके बाद से हम अमृत वन से होते हुए जाएंगे। अमृत वन के बीच में बड़ी सुंदर रॉस सड़क जा रही है, दाएं बाएं नहरें दिखेंगी, फवारे दिखेंगे और पूरी मेहराब दिखेगी। ये सुंदर एक टनल जैसा दिखेगा क्योंकि बड़ा दूर जाकर ये खुलेगा ना, पूरा वन है, ऊपर पूरी वृक्षों की छांव है। जैसे ही आपने प्रवेश किया उधर तक चांदनी चौक तक अंदर यहाँ पर टनल जैसा हो गया। तो यहाँ से हम गए, ताल भी आएंगे चौक पे, उन सब का आनंद लेते हुए हम बड़े ही प्रेम से पहुंचेंगे चांदनी चौक। एक आगे कीजिए, यहाँ मध्य की रोश से निकलेंगे, लाल हरा वृक्ष हमें देखकर बड़े ही प्रसन्नित होंगे, पुलकित होंगे, क्योंकि पूर्ण परम धाम हमारा इंतजार कर रहा है। सुंदर साहब जी, हम आत्मस्वरूप से जाएं और कब हमारी परातम उठे इसका परम धाम को इंतजार है। धनी देवचंद्र जी कहते थे मुझे परम धाम के झूले याद कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, हमें जाने दो। और श्री जी साहब ने क्या बोला था, अब हम रहे हो न जा वही मूल मिलावे बिन हृदय चढ़ चढ़ा वही संसार लगी तगे। मुझे ये आग के समान लग रहा है, मुझे मुझे घर याद आ रहा है। तो जो हम यहाँ से गुजरेंगे तो सारे लाल हरा वृक्ष बहुत ही प्रसन्न हो जाएगा। यहाँ से प्रणाम करते हुए हम एक आगे कीजिएगा, और आगे कीजिए, और आगे कीजिए, हाँ ये वाला। सुंदर साहब जी, ये आत्म अनुभव की बात है। जैसे ही आप अमृत वन की टनल में से बाहर निकलेंगे तो थोड़ा सा रंग माहौल दिखेगा, जैसे बाहर आते जाएंगे पूरा रंग माहौल का दर्शन होगा, क्योंकि ये दस भाव में बहुत अच्छा ऊंचाई पर है। तो जैसे जैसे आप बाहर आते जाएंगे ना, पूरे रंग माहौल का दर्शन होगा। अभी हम लोगों ने रंग माहौल करना है तो हम लोग और अच्छे से करेंगे। खड़ा दृश्य रंग माहौल का बहुत ही सुंदर है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जैसे पहला थम यहाँ और यहाँ ना हीरे का आया है, ठीक है, देखिए लिखा हुआ भी हीरा माणिक पुखराज पांच, तो इसके ऊपर वाला थम भी हीरे का आया, उसके ऊपर वाला भी, तो ये पूरा एक थम लगता है हीरे का और पूरी एक मेहराब जो है पूरी हीरे की लगती है, ऐसे देख रहे हैं। उसके साथ अगर ये माणिक है तो ऊपर का भी पूरे माणिक का, तो बड़ा ही सुंदर इसकी झाई आप पर पड़ेगी और ये सुंदर दृश्य रंग माहौल का आप देखेंगे। हमारा घर हमारे धाम धनी का घर है। सरकार साहब बताते थे कि हमारा संबंध ऐसा है जैसे कवारी कन्या, जैसे उसका रिश्ता होता है तो फिर उसके बाद वो अपने पति का ही घर सोचती रहती है ना। तो हम जब यहाँ आएंगे तो हमें हमारा घर अब नजर आया, रंग माहौल। एक आगे कीजिए, उसके बाद ये 100 सीढ़ियाँ चेतन है, इस पे नरम गिलम बिछी है, अलग अलग नक्शकारी चित्रकारी हुई हुई है, दाएं बाएं चेतन का थेड़ा आया है। यहाँ पांव रखते ही हम ऊपर पहुंच जाएंगे चौक में, सुंदर किवाड़। एक किवाड़ कौन से रंग का आया है, दर्पण रंग का, और चौखट लाल सिंदूरिया रंग का। एक ये लाल हीरे की चौखट झाई डाल रही होगी और शीशे का दरवाजा है। हमें देख के ये प्रसन्नता से, जैसे कोई द्वारपाल दरवाजा खोलता है, अपने आप ये चेतन दरवाजा खुल जाएगा। यहां से हम प्रवेश करेंगे, आगे चलिए। इससे जैसे ही प्रवेश करेंगे 28 स्तंभ का चौक आएगा। 28 स्तंभ का चौक अब सबको पता है क्यों कहते हैं इसे, इसे 28 स्तंभ का चौक क्यों कहते हैं, हाँ जी, क्योंकि यहां पर 28 स्तंभ आए हैं। कैसे, 10 यहां पर, 10 यहां पर, कितने हो गए 20, 4 यहां, 4 यहां, 28 स्तंभ का चौक है। ये हमारी बड़ी बैठक है और यहाँ पर हम आते जाते बैठते हैं। तो यहाँ हम आएंगे, उसके बाद सामने 11 मंदिरों की ये दहलान दिखेगी, ठीक है, ये रसोई की हवेली है। दो रास्ते हैं, या तो हम हवेली के अंदर प्रवेश करें और चबूतरा चढ़ें उतरें, तो 4 बार चबूतरे चढ़ने और उतरने पड़ेंगे क्योंकि 4 चौरस हवेली आएंगी, या फिर आप यहाँ से इधर हो जाइएगा, ठीक है। एक आगे कीजिए, एक और आगे कीजिए, और आगे कीजिए, हाँ। तो यहाँ तो हवेलियों के अंदर से जाइएगा मूल मिलावे तक, या यहाँ होकर, तो यहाँ पर क्या होगा, त्रिपोलिया होगा, एक थंबो की हार और ये, तो 3 गलियाँ यहाँ होंगी। तो यहाँ बीच की गली में से निकलकर सीधा मूल मिलावे हम पहुँच जाएंगे, ठीक है, आगे चलिए। ये देखिए, इसमें भी यही दिखा रखा है, 28 स्तंभ का चौक है। तो या तो यहाँ आए, चबूतरा चढ़ा, उतरे, मुख्य द्वार से बाहर आए, फिर यहाँ से प्रवेश किया, चढ़े, उतरे, या फिर सीधे यहाँ आ जाओ। ये डॉट डॉट्स जो है जो पिलर है, ठीक है, और ये जो बॉक्स से दिख रहे हैं ये क्या है, मंदिर, ठीक है ना। तो यहाँ से इसके बीच में से हम सीधे निकल जाएंगे, ठीक है। सुंदर साहब जी, आगे चलिए, और आगे चलिए, और आगे चलिए, ठीक है। तो ये पार कर हम आ गए मूल मिलावे में। इसमें कितने थम आएंगे बाहरी तरफ,
64 थंब, अंदर भी 64 है बाहर भी 64 है, कितने थंबों की हार आएगी यहां पर? 3, एक आगे चलिए 2 और तीसरी चबूतरे पर। सुंदर साहब जी, मुख्य द्वार से जब हम मूल मिलावे में प्रवेश करेंगे, ये सुख अपार है और हर आत्म को लेना चाहिए। यहां से हम जैसे ही प्रवेश करेंगे, ना दाएं देखिएगा ना बाएं, सीधा अपना केंद्र जो है युगल स्वरूप सिंहासन, प्रेम की परिकाष्ठा में आपको सखियां भी नजर नहीं आएंगी, सखियों से भी बाद में प्रणाम हो जाएगी, पहले सिर्फ युगल स्वरूप का सिंहासन। जो हजार पाखड़ियों का कमल का फूल आया है, ये आकृति बनी हुई है कारपेट पे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे चेतन है और वाकई बना हुआ है, वहां पर रखा हुआ है, उसके ऊपर सिंहासन आया है। तो उसके ऊपर जो सिंहासन है उस पर मुस्कुराते हुए वेट कर रहे होंगे राज श्यामा जी हमारा, उनसे सीधे जाके पहले प्रणाम करनी है। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, 3 सीढ़ियां चढ़ेंगे। यहां ये जो गिलम है ये अत्यंत नरम है, ठीक है, इतना इतना पांव धंसता है अंदर, इतनी नरम ये गिलम है। जब आप चलेंगे तो ये गिलम अति नरम है। यहां से हम होकर जाएंगे सीधा राज्य की ओर, आगे चलिए। ठीक है, सिंहासन युगल स्वरूप में भी हम सबसे पहले, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है, जैसा जिसको अच्छा लगे, लेकिन कल हम सबसे पहले राज्य को प्रणाम करेंगे। ठीक है, जिसका भाव है पहले श्यामा जी के प्रति, तो वो भी पहले उधर ही प्रणाम कर सकता है अपने घरों में। हम कल पहले सिर्फ राज्य को प्रणाम करेंगे। सीधा हम गए सिंहासन पर, युगल स्वरूप में हमें दिखे, उनके चेहरे पर बड़ी मीठी मुस्कुराहट होगी, क्योंकि पूरी दुनिया में हमें इनसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं करता। राज जी महाराज के हृदय में ये परम, ये जो संसार सारा चल रहा है, तो अगर हमें यहाँ पे कोई भी संवेदना का एक भाव दिखाता है, प्रेम का कोई ये मदद करता है, वो धामधनी के हृदय से आता है। ये सारा प्रेम इसी हृदय से सभी के अंदर जाता है, तो इस मूल को ही हमें प्रणाम करना है। और ये ही इसीलिए हम इसे मूल मिलावा कहते हैं। हमारा मूल ये है, हमारे सुखों का मूल ये है। ठीक है, श्री राज जी के साथ यहाँ पर आनंद अंग बैठे हैं और हम इन्हीं के ही अंश हैं। ठीक है सुंदर साहब जी, श्री राज जी को हम पहले जब जाएंगे तो नरम चौकी पे धनी का एक पग पांव रखा होगा, चरण कमल। चरण कमल मतलब समझते हैं सभी? समझते हैं बेटा, चरण कमल मतलब यहाँ पे चरण। ठीक है, हस्त कमल जब मैं बोलूंगा चितवनी में तो क्या होता है? हाथ। ठीक है, नासिका क्या होती है? नोज। और श्रवण क्या होते हैं? ईयर्स। नेत्र क्या रहेंगे? आईज। ठीक है, सबको ये याद रहेगा क्योंकि वो वाले शब्द इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो चरण कमल में एक रखे होंगे, जब हम प्रणाम करना चाहेंगे तो राज जी का दूसरा चरण कमल भी वाला जी बड़े ही प्रेम से हमें दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों चरणों में प्रणाम करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप इन चरण कमल को हाथ में लेते हैं तो चार्जिंग से जुड़ गया, नींद निकलनी शुरू हो जाएगी। जैसे अभी श्री जी साहब और मोमिन खुश हुए ना, ठौर झंडे की सुख पाए अपना स्थान देख के, क्योंकि यहाँ पर अब अखंड ध्यान होना है, 11 साल का अखंड ध्यान है। अभी आप अष्टपहर में सुनेंगे कोई सोया ना सोया, अखंड ध्यान चलेगा 11 साल का, और अखंड आनंद चलना है यहाँ पर। ठीक है सुंदर साहब जी, तो इसीलिए खुश हो रहे हैं मोमिन, क्योंकि यहाँ पर अब, क्योंकि जगह जगह पे राजा कोई जगह नहीं दे रहा है। औरंगजेब को भी समझाने की कोशिश करी, छत्रसाल महाराज जी कहेंगे आप ध्यान करें और मैं आपकी रक्षा करूंगा। ठीक है, तो इसीलिए जब हम यहाँ प्रणाम करेंगे तो हम सुरक्षित हो गए। एक बार राज जी के चरणों में प्रणाम किया, अब हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। सुबह उठकर तो हमें प्रातः करना ही है ध्यान, जब भी कभी घबराएं, परेशान हो, कोई बात हो, किसी भी जगह पे राज जी के चरणों का ध्यान करें, सारी समस्या दूर। ठीक है, अंदर से गई और फिर बाहर से भी चाहिएगी। ठीक है, चरणों में चार आभूषण आए हैं, कौन कौन से? झांझरी, घुंघरी, कांभी, कड़ला। ठीक है, अब ये सब जानते हैं इसलिए मैं इसको दोहराऊंगा नहीं। आपके यहाँ पे चरणों में राज जी के आप झांझरी, घुंघरी, कांभी, कलड़ा देखेंगे, और फिर राज जी ने जो इजहार पहनी है वो कौन से रंग की आई है? केसरिया रंग की इजहार, श्वेत रंग का जामा, और यहाँ से फिर हस्त कमल, मुखारबिंद की शोभा आएगी। मुखारबिंद की शोभा मुख्य है सुंदर साहब जी, उसमें बहुत बारीकियाँ हैं, बहुत बारीकियाँ। मुखारबिंद में सबसे ज़्यादा समय लगता है ध्यान में, क्योंकि निलाट पर ध्यान जाएगा। माथे को क्या बोलते हैं वाणी की भाषा में? निलाट।
निलाट पर ध्यान जाएगा, तिलक पर ध्यान जाएगा, बोहों पर जाएगा, नेत्रों पर जाएगा, गलस्त गालों पर जाएगा, नासिका पे जाएगा, अधूरों पे जाएगा, ठोड्डी पर जाएगा, ठीक है, और इधर श्रवणों पर जाएगा, और श्रवणों के पीछे से आए हुए घुंघराले बालों पर जाएगा। सबसे ज़्यादा समय यहीं पर लगेगा मुखारबिंद पे, तो एक एक शब्दों को ध्यान दीजिएगा। चितवनी मुख्यतः यहीं पर होती है, ठीक है। राज्य का श्रृंगार हम सबको पता है, केसरी रंग की, श्वेत रंग का, नीलो न श्याम रंग जड़ाव की, ठीक है, आभूषणों का भी सबको पता है। तो हम ये सब सुंदर साथ जी कल राज्य श्यामा जी से मिलने चलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज।